हाँ तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडी स्टेटस गेमिंग टेक्निकल। आज हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि ये सब चल रहा है ट्रेंडिंग में कि वीडियो चल रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया है। कहने का मतलब, इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन 59 चाइनीज ऐप्स इंक्लूडिंग टिकटॉक। टिकटॉक के सहित हमारे 59 चाइनीज ऐप्स जो हैं सारे सब बैन हो चुके हैं इंडियन में। ऐसा कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि वी हैव टू बैन द 59 चाइनीज ऐप्स। एंड चाइनीज ऐप्स का कुछ नेम भी है जो हम अंत में बता देंगे कौन कौन 59 चाइनीज ऐप्स हैं। ऐसे जो वायरल में है चाइनीज ऐप्स फेमस है, टिकटॉक है, सेरिट है, यूसी ब्राउज़र है और लाइकी है और बहुत सारे यूकम मेकअप, बहुत सारे ऐप्स हैं। जैसे कि हम लोग ये सब चाइनीज ऐप्स को बैन करने का ये इंडियन गवर्नमेंट का यही ये था कि हम लोग चाइना का किसी भी ऐप्स को यूज़ ना करें। कहने का मतलब कि चाइना क्या करता है, चाइना से हम लोग जानते हैं कि इस बार युद्ध होने वाली है, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया है। 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया है तो वही था। बहुत सारे ऐप्स हैं जैसे वीचैट हो गया, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, क्लब फैक्ट्री हो गया और भी ऐसे ही बहुत नामे जाने माने, जो जाने माने हमारे ऐप्स हैं सभी बैन हो चुके हैं। तो इन सभी ऐप्स का बैन होना ज़रूरी था क्योंकि चाइना जो है हमारे इसी सबसे बहुत ज़्यादा इनकम उसका हो रहा था। इस सब जो हम लोग ऐप्स यूज़ करते हैं चाइनीज ऐप्स, उस ऐप से चाइना का इनकम बहुत ज़्यादा अप्रॉक्स इकोनॉमी उसका बढ़ रहा था, तो यह बैन होना ज़रूरी था। जैसा कि हमारे कैरी भाई जो सबसे पहले शुरू किए थे टिकटॉक के खिलाफ, टिकटॉक को बैन करने के लिए, तो उनका ये सफल सही रहा, उन्होंने सही किया क्योंकि टिकटॉक का उन्होंने रेटिंग कम किया। पर इंडियन क्या कहलाता है, इंडियन जनता ऐसा है कि इस ऐप को यूज़ कर रहा है, टिकटॉक ऐप को हमेशा के लिए बैन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। वो बैन हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा भाइयों, ये मत समझिए कि क्या कहलाता है ये सब, तो इंडियन ऐप्स बनाता नहीं, इंडियन ऐप्स भी बनाता है। जैसे कि मित्रॉन हो गया, इस समय मित्रॉन हो गया शायद ये ट्रेंडिंग में है मित्रॉन, उस पर भी आप लोग वीडियो पोस्ट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो बनाने की शौक़ हो, या चाहे यूट्यूब ये शॉर्ट प्लेटफॉर्म ला ही रहा है, आप लोग अपना शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर भी डाल सकते हैं। यूट्यूब पर डाल के आप लोग वायरल कर सकते हैं, फेमस हो सकते हैं। फेमस होने का बहुत सा तरीका है, बस ये नहीं है कि हम लोग चाइनीज ऐप्स को यूज़ करें। सो आज के बाद आप लोग चाइनीज ऐप्स को यूज़ करना बंद कर दीजिए क्योंकि चाइनीज ऐप्स समझते हैं कि ये इंडियन ऐप्स नहीं है तो बहुत बढ़िया नहीं होगा। बस इंडियन ऐप्स भी निकालेगा, इंडियन भी ऐप्स निकालेगा, बस वो चालू कर रहा है अपना इंडियन ऐप्स निकालने के लिए सब प्लेटफॉर्म चालू कर रहा है। तो यही था, अगर क्या कहलाता है, बहुत सारे जो हैं ब्रेकिंग न्यूज़ इस समय जो ये ट्रेंडिंग वीडियो है ना, भारत सरकार ने आज से किया टिकटॉक बैन। कहने का मतलब टिकटॉक बैन मतलब समझ गया ना, यानी कि इतना फेमस ऐप्स बैन हो सकता है, बहुत बढ़िया हुआ। इसका रेटिंग अभी भी 4 स्टार है, इसका रेटिंग अभी भी 4 स्टार है। जब हम वीडियो बना रहे हैं उस समय देखे थे कि इसका रेटिंग 4 स्टार है, जब कैरी भाई ने इसे बैन करने के लिए शुरू किया था उस समय इसका रेटिंग अप्रॉक्स कुछ था। तो देखिए यहाँ पे 15 ये कुछ ऐप्स हैं, टिकटॉक से हरित क्वाय, यूसी ब्राउज़र, बैडू मैप, ये सब जो आप लोग को सामने में ये ऐप्स दिख रहे हैं सारे क्या हैं, हमारे सारे जो वैसे ऐप्स हैं जो हमारे इंडिया में बैन हो चुके हैं, यानी कि 59 चाइनीज ऐप्स जो हमारे बैन हो चुके हैं। तो देखिए आप लोग के सामने यहाँ पर पैरेलल एसएमएस भी है, यू वीडियो, क्यूक्यू लॉन्चर, क्यूक्यू इंटरनेशनल, क्यूक्यू सिक्योरिटी सेंटर, क्यूक्यू प्लेयर, ड्यू रिकॉर्डर, वीगो वीडियो, लाइकी, हेलो सीएम ब्राउजर, वायरस क्लीनर, क्लब फैक्ट्री, ब्यूटी प्लस, जेंडर, शेयर इट, यूसी ब्राउजर, टिकटॉक, ये सारे ऐप्स बैन हो चुके हैं। तो अब हम लोग ये सब अच्छा हुआ कि ये ऐप्स बैन हो चुके हैं इंडिया के लिए, अच्छा है। तो ठीक है, आज ये वीडियो ख़त्म हुआ, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और चाइनीज ऐप्स को यूज़ करना प्लीज़ बंद कर दीजिए। ये मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप सभी लोग चाइनीज ऐप्स को यूज़ करना बैन बंद कर दें। थैंक्स।